हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड नर्स सिलेबस 2024 की बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस कैसा रहने वाला है इसके बारे में बात करेंगे। टोटल झारखंड से 1173 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसका एग्जाम 50 मार्च के लिए लिया जाएगा, बाकी जो है मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। तो देखिए, मैंने यहाँ लिख भी रखा है आप लोगों के लिए कि मेरिट लिस्ट और सिलेबस क्या है उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। बाय द वे, आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हो, वॉच कर रहे हो, प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि इस चैनल का जो रीच है वो किन किन जिले तक पहुंचा हुआ है। तो अपने जिले या गांव का नाम जरूर लिखिएगा, गांव का नाम लिखिएगा तो और अच्छी बात है। तो फिलहाल हम लोग सीधे ऑफिशियल सिलेबस की ओर बढ़ेंगे और ये सिलेबस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, जिसका पता आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है। वहां से क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच सकते हैं और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आपको पीडीएफ की ओर लेकर चलूंगा। और ये देखिए, ये रहा इसका पीडीएफ। आप इस पीडीएफ को खुद से जो है वॉच कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको सीधे जो है परिचारिका यानी कि नर्स वाले श्रेणी ए के बारे में बताता हूं। यहाँ पे देखिए, जो अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं यानी कि जो जनरल से आते हैं उनके लिए 478 पद है और भी जो अलग जो आरक्षण के हिसाब से जो वैकेंसी है वो टोटल कुल वैकेंसी की अगर मैं बात करूं 1173 वैकेंसी आई हुई है। आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को देखिए सीधे सिलेबस की ओर लेकर चलूंगा और सिलेबस में देखिए जो बातें बताई गई है वो मैं आपको पहले बता दूं। देखिए, सिलेबस में जो बातें बताई गई है, मैं ले आता हूं पेज नंबर 18 पे। जी हाँ, 18 पे सिलेबस है, आप लोग भी देख सकते हो। ये देखिए, परीक्षा का स्वरूप यहाँ पे सरकार ने बताया है कि या तो ऑफलाइन भी हो सकता है। OMR का मतलब होता है कि ये ऑफलाइन भी एग्जाम ले सकते हैं और कंप्यूटर यानी कि जिसे CBT बोला जाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि ऑनलाइन भी लिया जा सकता है। सरकार को खुद नहीं पता है कि ये परीक्षा किस मोड में लेंगे। फिलहाल इन्होंने कह दिया है कि दोनों में से कोई भी मोड ये एग्जाम कर सकते हैं। अब देखिए, अगर कैंडिडेट की संख्या ज्यादा हुई तो अगर यानी कि एक शिफ्ट में एग्जाम कंप्लीट नहीं हो पाता, दो शिफ्ट में एग्जाम होता है या फिर डे वन में या फिर डे टू में भी एग्जाम होता है, तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन का जो है प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर बात है कि अगर एक शिफ्ट में सभी का एग्जाम नहीं हो पाता है तो नॉर्मलाइजेशन होगा। अब बात करते हैं परीक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम। परीक्षा एक बार में ही देनी है, फाइनल एग्जाम आपका एक बार में निपट जाएगा। ये होगा MCQ बेस्ड और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यहां से आप देख पाओगे गलत उत्तर के लिए कोई अंक की कटौती नहीं की जाएगी। अब लिखित परीक्षा के बारे में बात करते हैं तो सभी के लिए, फिलहाल हम लोग नर्सिंग वाले ही पाठ पे ध्यान देंगे, 50 प्रश्न आपसे यहां से पूछ लिए जाएंगे और सभी के लिए एक एक नंबर मिलेंगे यानी कि मैक्सिमम आप यहां से 50 मार्क्स ला सकते हो। लेकिन इससे ज्यादा मार्क्स आपको लाने होंगे जिसमें आपका अब कोई जो है आप इसमें चेंज नहीं कर सकते हो। यानी कि आपने जो ट्रेनिंग ली है ना, वहां पे अगर आपने 60 से ज्यादा परसेंटेज लाया तो आपको 10 अंक मिलेंगे। अगर आपने 60 से कम और 45 से अधिक लाया है या 45 तक लाया है तो 7 अंक मिलेंगे आपको। 45% से कम और समकक्ष ग्रेड केवल पासिंग मार्क्स लाया है तो 5 नंबर आपको यहां से मिलेंगे। अब आगे देखते हैं, मैट्रिक वाले नंबर को भी यहां पे ऐड किया जाएगा। 60 या उससे अधिक नंबर लाने पे 20 अंक आपको मिलेंगे। 60 से कम और 45 से अधिक या 45 तो 15 अंक मिलेंगे। 45 से कम और सिर्फ पास मार्क्स आपने लाया तो 10 अंक आपको मिलेंगे। सेम विथ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट यानी कि इंटर, इसमें भी 60% से अधिक लाने पे आपको 20 नंबर मिलेंगे। 60 से कम और 45 से ज्यादा 15 अंक, 45 से कम और समकक्ष लाने पे 10 अंक आपको दिया जाएगा। अब यहां पे देखो, झारखंड राज्य के सरकारी अस्पतालों पे संविदा कार्य अनुभव के लिए यानी कि जिनके पास एक्सपीरियंस है 50 अंक अधिकतम मिलेगा। अगर हर साल आपने काम किया, अगर एक साल काम किया है तो 5 नंबर मिलेंगे। अगर किसी ने 3 साल काम किया है तो 15 नंबर मिलेंगे। अगर किसी ने 10 साल काम किया है तो 50 अंक मिलेंगे। लेकिन याद रखिएगा, मैक्सिमम ये 85 हो सकता है। कोई 15 साल काम कर रहा है तो उसे अधिक अंक नहीं दिया जाएगा। क्लियर हो गई बातें? ये तो था मेरिट वाली बात। अब मैं आपको सिलेबस की ओर लेकर चलता हूं और सिलेबस आपको मिलेगा बिल्कुल ही नीचे में। ये पीडीएफ को जो है नीचे स्क्रॉल डाउन आपको करना है, ठीक है? अब देखिए, नीचे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे देखो एक्सरे टेक्नीशियन वाला जो है वो दिख जाएगा आपको। फार्मासिस्ट की भी सिलेबस आपको दिखेगी, लेकिन हमें ढूंढना है क्या, नर्सिंग वाले सिलेबस को, ठीक है? अब हम लोग नर्सिंग वाले सिलेबस को ढूंढते हैं, लेकिन ये अभी तक तो मिल नहीं रहा। वेट ए मिनट, थोड़ा आपको जो है कंपोज रहना है, काम एंड कंपोज रहना है, आपको सिलेबस जरूर मिलेगा। थोड़ा नीचे और आ जाते हैं, शायद मिल जाए।
अकाउंटेंसी की है, क्लिनिकल फार्मिंग है, और ये रहा नर्स, ये रहा सिलेबस। यहां से आप देख पाओगे, ये देखिए सिलेबस फॉर ग्रेड ए नर्स, फंडामेंटल नर्सिंग के लिए जो है सिलेबस है वो मैं आपको बता दूं, बेसिक साइंस आपको पता होना चाहिए, जिसमें एनाटोमिकल और बायोकेमिकल स्ट्रक्चर टू एक्सप्लेन द साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, यानी कि इंसान के बॉडी के बारे में आपको पता होना चाहिए, विच में डिस्टर्ब दीज, यानी कि उनको डिस्टर्ब करने वाले मैकेनिज्म के बारे में बात करना है आपको, ठीक है। आगे देखिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, हेल्थ का क्या कॉन्सेप्ट है, कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिसेस कैसे की जाएगी, हेल्थ के प्रॉब्लम के बारे में जानना है, सरकार की क्या पॉलिसीज है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना है, रोल ऑफ अ हेल्थ टीम, यानी कि हेल्थ टीम कैसे चीजों को ठीक करेगी, स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी, रूरल कम्युनिटी, डायनेमिक ऑफ कम्युनिटी, इन चीजों को आपको पढ़ना है, कम्युनिटी नीड असेसमेंट, उसके बाद देखो कम्युनिटी मेथड एंड मीडिया, काउंसलिंग, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिटेशन, और कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग, इन चीजों को आपको पढ़ना है कम्युनिटी की, यानी कि जैसे कि किसी खास वर्ग को या फिर किसी खास वर्ग समूह को कैसे आप ट्रीट करोगे। अब देखिए हेल्थ प्रमोशन के बारे में, यानी कि लोगों को अच्छे हेल्थ के बारे में प्रमोशन के लिए भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे, जैसे न्यूट्रिशन हो गया कि शरीर में क्या कौन कौन से एसेंशियल न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, यानी कि अगर आप कोई चीज नहीं ले रहे हो तो उससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और इसे किसे प्रिवेंट करोगे, बचाव कैसे करोगे और मैनेजमेंट कैसे करोगे, न्यूट्रिशनल असेसमेंट यानी कि उसका असेसमेंट कैसे करोगे, प्रमोशन इसका कैसे होगा, और अलग अलग प्रकार के जो डिजीज के कंडीशन है उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। ह्यूमन बॉडी एंड हाइजीन, यानी कि साफ सफाई के बारे में आपको पढ़ना है, द ह्यूमन बॉडी, हाइजीन ऑफ द बॉडी, ऑप्टिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी, इसके बारे में पढ़ना है, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, यानी कि आसपास की साफ सफाई के बारे में आपको पढ़ना है, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन के अलावा जो है आपको सेफ वाटर के बारे में, यानी साफ पानी के बारे में पढ़ना है, डिस्पोजल ऑफ जो भी वेस्ट आपका निकल रहा है उसे कैसे आप जो है ठीक कर पाओ, आई मीन जो है उसका कैसे निपटारा करोगे, कम्युनिटी जो है उसे कैसे ठीक करोगे, मेंटल हेल्थ के बारे में भी पढ़ना है, मेंटल हेल्थ हो गया या फिर जो मल एडजस्टमेंट है या फिर मेंटल इलनेस है या ओल्ड एज केयर है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल और जो साइकेट्रिक नर्सिंग है उसे भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए प्राइमरी हेल्थ केयर में आपको देखिए इन्फेक्शन के बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इसके अलावा जो है कम्युनिकल जो डिजीज है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है, एपिडेमिक पेंडेमिक जो भी जिससे COVID-19 आया था उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में पढ़ना है कि कैसे जो बीमार लोग हैं उसकी आप जो है सेवा करोगे, उन्हें ठीक करोगे, फीवर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और जो पेन वगैरह होता है उसके बारे में, तो मोटा मोटी आपको ये चीजें देख लेनी है, यहाँ पे सिलेबस आपको दिख रहा होगा। हैंडीकैप की कैसे आप जो है केयर करोगे, प्राइमरी मेडिकल केयर कैसे आप दोगे, टाइप्स ऑफ ड्रग्स क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स क्या होता है, तो कुल मिलाकर छोटा मोटा डॉक्टर आपको यहाँ पे बनाया जा रहा है। आगे देखिए फर्स्ट एड और जो रेफरल है वो आप कैसे करोगे, मेडिकल और जो सर्जिकल नर्सिंग है उसके बारे में यहाँ पे देखो, ऑपरेशन थिएटर में कैसे आप जो है, इसके बाद एनेस्थीसिया वगैरह के इफेक्ट और क्या इसके डेंजर हो सकते हैं, कॉमन जो इक्विपमेंट है उसका कैसे आप जो है काम में लाओगे। इसके अलावा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में भी आपको पढ़ लेना, बच्चे के क्या राइट है और बच्चे में जो प्रॉब्लम आ रही है ग्रोथ और डेवलपमेंट के रिगार्डिंग उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। मिड वाइफरी के बारे में आपको पढ़ना है, ह्यूमन जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है फीमेल के बारे में भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है, फ्यूटस के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा नॉर्मल लेबर कैसे होगा और जो नॉर्मल डिलीवरी होगी उसके दौरान आप कैसे ध्यान रखोगे और इन चीजों को आपको देख लेना है अच्छे से, ठीक है। नॉर्मल एबॉर्शन वगैरह के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, जैसे कि आप कैसे मेंटेनेंस करोगे स्टॉक का, कोऑर्डिनेशन कैसे करोगे और जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है उसको कैसे जो है नॉलेज आपकी जो है अपडेट होनी चाहिए। तो ये था पॉइंट, बाय द वे सिलेबस मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको इसकी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए नर्सिंग के तो यहां से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो, इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो कि मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश में एग्जामिनेशन हुए हैं वहां के प्रश्न पत्र आपको मैं दे दूंगा, आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, हैव अ गुड डे।